हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड एसएसएच वेलकम बैनर बिफोर एंड आफ्टर लॉगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। देन हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि बिफोर लॉगिन आप कैसे वेलकम बैनर सेट कर सकते हैं अपने एसएसएच के लिए। तो उसके लिए आपको एक बैनर नेम से या किसी भी नेम से एक टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है अपने ईटीसी के अंदर एसएसएच फोल्डर में। और उस टेस्ट फाइल के अंदर आप जो भी मैसेज ऐड करना चाहते हैं कि जब भी यूजर लॉगिन करने की ट्राई करे तो बिफोर उसको वो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो चलिए हम एक बैनर डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करते हैं। पहले मैं etc के अंदर ssh फोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है vi banner.txt। आप किसी भी नेम से टेस्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो देन आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज आप यहाँ मेंशन कर दें। चलिए जैसे मैंने लिख दिया दिस इज ए प्रोडक्शन सर्वर, प्लीज रन ऑल द कमांड्स वेरी केयरफुली। ओके, चलिए हमने स्टार को क्लोज कर देते हैं। देन आपको फाइल को सेव कर देना है। फाइल को सेव करने के बाद आपको एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है। तो SSH की कॉन्फ़िगरेशन भी SSH फोल्डर में होती है। तो चलिए हम डायरेक्टली SSHD config खोल लेते हैं। और देन आपको बैनर वाली लाइन को सर्च करना है। तो सर आप या तो स्क्रॉल डाउन करके बैनर वाली फाइल सर्च कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप बैनर लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट बैनर वाली लाइन पे लेके चला जाएगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट बैनर नन है, आपने कोई भी पाथ सेट नहीं किया हो, तो इसलिए बिफोर SSH लॉगिन आपको कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं कराता होगा। तो चलिए हम यहाँ पर वो पाथ सेट कर देते हैं। etc के अंदर SSH के अंदर हमने बनाई थी banner.txt और देन आपको फाइल को सेव कर देना है। और देन आपको SSH की सर्विस को रिस्टार्ट करना है ताकि जो भी हमने चेंजेस करी हैं वो इंप्लीमेंट हो जाए। के लिए हमने कमांड यूज करी है सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एसएसडी। ओके, अभी आप देखिए लोकली जैसे हम एसएसएच कर रहे हैं, देखिए हमारा बिफोर लॉगिन मैसेज प्रिंट हो गया जो आपने ऐड किया था फाइल के अंदर। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तब आपको कोई भी मैसेज शो नहीं होगा क्योंकि आपने आफ्टर लॉगिन कोई भी मैसेज यहां मेंशन नहीं किया हुआ है। ये सिर्फ बिफोर लॉगिन आपने बैनर सेट किया है। आफ्टर लॉगिन कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने रिमोट सिस्टम पर भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो भी आपको ये बैनर शो होएगा। चलिए मैं आपको पुट्टी पे दिखा देता हूँ। थोड़ा हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देखिए मेरे सिस्टम का जो आईपी है 43201 और अभी देखिए यहाँ मैं किसी और यूजर से भी लॉगिन करता हूँ, जैसे मैंने कार्तिक यूजर से लॉगिन करता हूँ तो भी देखिए उसको वो मैसेज शो हो चुका है कि दिस इज ए प्रोडक्शन सर्वर, प्लीज रन ऑल द कमांड्स वेरी केयरफुली। ओके, अब जैसे ही कार्तिक यूजर लॉगिन करेगा तो उसका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर लॉगिन आपको बैनर कैसे सेट करते हैं। तो आफ्टर लॉगिन के लिए आपको एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी होती है।
आपको सिर्फ एक फाइल के अंदर चेंजेस करनी होती है, उस फाइल का नाम है etc के अंदर motd मोट फाइल को हम चेंज करेंगे, etc के अंदर मोट फाइल और डी मतलब डेमेन। तो इसके अंदर आप जो भी मैसेज मेंशन करेंगे वो आपके आफ्टर लॉगिन शो होएगा। तो चलिए जैसे मैं यहां लिख देता हूं, हाय वेलकम टू आवर प्रोडक्शन सर्वर, और यहां मैंने स्टार क्लोज कर दिए। देन आप फाइल को सेव कर दें और आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, आपका आफ्टर लॉगिन भी बैनर मैसेज सेट हो चुके हैं। चलिए मैं आपको लोकली और रिमोटली दोनों दिखा देता हूं। जैसे देखिए SSH लोकल होस्ट, देखिए बिफोर लॉगिन आपको मैसेज शो हो गया, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिए आफ्टर लॉगिन भी आपका मैसेज प्रिंट हो चुका है। ओके सेम लाइक दैट अगर आप पुट्टी पे भी करते हैं तो आपको पुट्टी पे भी शो होएगा। देखिए जैसे मैं कार्तिक यूजर से लॉगिन कर रहा हूं तो बिफोर लॉगिन वाला मैसेज हमें शो हो गया। अब हम लॉगिन कर लेते हैं तो देखिए आफ्टर लॉगिन वाला भी मैसेज हमें प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप आफ्टर लॉगिन और बिफोर लॉगिन वेलकम बैनर सेट कर सकते हैं अपने SSH यूजर के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप वेलकम बैनर सेट करेंगे SSH पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।